कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं तो हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली अर्जेंटली मुझे वॉशरूम जाना है। रास्ते में तो मिलना मुश्किल है, पर हम बस यॉट पर पहुंचने ही वाले हैं। मीटिंग यॉट पर है? मैंने आज की मीटिंग यॉट पर रखी है, आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, मतलब नसीब में कूद के नहीं डूब के मरना लिख रहा है। आपका स्वागत है मुराद सर। शुक्रिया कैप्टन। आपका भी स्वागत है मोहतरमा। हाँ देने के लिए शुक्रिया। वैसे ये वॉशरूम कहाँ है? अंदर जाके दाई तरफ। बोलो हयात। इपेक मुसीबत आ गई है, अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। अब क्या हुआ? मुराद सर मुझे अरबियों के साथ होने वाली मीटिंग में ले आए हैं, यहाँ मुझे सब ट्रांसलेट करना पड़ेगा और पता नहीं सुना कहाँ है। क्या मतलब सुना से बात नहीं हो पा रही? मैंने उसे कॉल तो किया था लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं, और मैंने उसे एक मैसेज भी छोड़ा पर रिप्लाई नहीं आया, और हम यहाँ यॉट पर है, क्या करूँ मैं? ठीक है तुम जाओ, मैं उसे कॉल करके देखती हूँ, उसे कुरियर भेजती हूँ जो डोर बेल बजाएगा, या फिर कोई दूसरा ट्रांसलेटर मिलता है क्या देखती हूँ, पता नहीं, कुछ तो ट्राई करती हूँ। बस मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैंने उस लड़की को अपने सामने देखा टुअल, मुझे मर जाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हें पता है टुअल, मुराद ने उस लड़की से माफी मांगी। मुराद ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, उसने ऐसा क्यों किया होगा? या फिर मुराद को उससे प्यार हो गया है और मुझसे नफरत। मैं मुराद के बगैर नहीं रह सकती, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। तो तुम मेरी जान बख्शने का क्या लोगी? जाओ यहाँ से जाओ। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो या मुझसे गुस्सा हो? जब तक मैं कोई हल नहीं निकालूंगी तुम यहां से जाने वाली नहीं हो। जाओ उस लड़की के पैर पकड़ो, माफी मांगो, तब जाके मुराद तुम्हें माफ कर देगा। नहीं कर सकती, मुझे नफरत है उससे, मैं भला माफी क्यों मांगू? होश में आओ दीदेम, तुमने गलती की है तो गलती की माफी भी मांगो, कुछ देर के लिए तो कम से कम इंसान की तरह पेश आओ। वो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाएगी। ओह तो ठीक है, शाम को कुछ फूल खरीदो और उसे दो। तुम्हारे चक्कर में देखो मैंने क्या कर दिया। ये तो कुछ नया तैयार हो गया है, बिल्कुल नया पैच वर्क। थैंक यू। निकलो यहाँ से, निकलो। वो लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं, सुना से बात हुई? नहीं। हेलो चाला, सिचुएशन क्या है? क्या मतलब नहीं आ सकते? मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूं, आधा दिन जाया हो गया, पहले नहीं बता सकती थी? नहीं अब कोई मीटिंग नहीं होगी, कहा ना कोई मीटिंग नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है मुराद सर? नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए चिल्ला रहा हूं। अरे पर मैंने क्या किया? अरब्स नहीं आने वाले, उन्हें कुछ और काम आ गया है। तुमने फोन पर मेरी बातें नहीं सुनी?
काम को लेकर इतना गुस्सा कौन होता है? क्या कहा तुमने? नहीं कुछ भी तो नहीं। नहीं कुछ तो कहा, बोलो। अरे काम ही तो है, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत? काम मेरी जिंदगी है। कुछ भी है तो मेरे सामने कहना और खुलकर कहना। ठीक है। वैसे तो मुझे काम किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर मैं जान गई हूँ आपका काम आपकी जिंदगी है। बुरा मत मानना, पर आप कुछ ज्यादा ही करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 40 के पहले ही आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, पहले ही बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आप मेरी जगह होती, इतनी दूर तक आती और पता चलता कि मीटिंग कैंसिल हो गई है तो आप क्या करती? हाँ, क्या उन्हें थैंक यू का नोट भेजती फूलों के साथ? अगर मैं आपकी जगह होती और इतनी दूर आने के बाद भी मीटिंग कैंसिल हो जाती तो मैं यहाँ एंजॉय करती, क्योंकि वैसे भी स्ट्रेस लेकर कुछ बदलने तो नहीं वाला। हाँ, अगर आप लास वेगास या दुबई में होती तो हम यहाँ पर हिसार में हैं, वहाँ के जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है, और क्यों नहीं होगा भला। आप यहाँ बैठकर ताश के पत्ते भी खेल सकते हैं। आपने मछलियाँ नहीं पकड़ी होंगी, आप वो भी कर सकते हैं। आप थोड़ी दूर तक तैर भी सकते हैं, मछलियाँ खा सकते हैं, या उन्हें पंछियों को भी खिला सकते हैं, या मन करे तो यॉट की राइड भी ले सकते हैं। ओह, मैं तो आपको बताना भूल गई कि अफसोस आप ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो सूट है खराब हो जाएगा ना, इसलिए। वैसे भी बहुत महंगा होगा ना। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? बॉस को चैलेंज? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? अगर मैं बॉस नहीं होता तो आप मुझे चैलेंज करती? ठीक है, आज मैं बॉस नहीं हूँ, लेकिन हर चैलेंज पर इनाम होगा। जैसे कि दिन के आखिर में जो हारेगा उसे जीतने वाले के सवालों के जवाब देने होंगे। मुझे मंजूर है। मंजूर? कैप्टन, यहीं पर रोक दो। तो क्या हम शुरू करें? बिल्कुल, खेल शुरू हो चुका है। ये क्या कर रहे हैं आप? कपड़े उतार रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप कोई शरारत कर रहे हैं ना तो ये सब नहीं चलेगा। अगर स्विमिंग आपको शरारत लगती है तो मैं कहूँगा आपको शरारत का मतलब फिर से जाने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं आप?